बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी LHV पार्ट 2 के पास्ट सॉल्व पेपर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि हमने जो है पास्ट पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था, उसका पहला सवाल हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, और आज हमने करना है चौथा सवाल। चौथे सवाल में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। एडोलेसेंस सबसे पहली डेफिनेशन है, इनफर्टिलिटी, मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, सेफ मेथडहुड एंड नोर प्लांट। ये स्टूडेंट दो दो नंबर की डेफिनेशंस हैं। ये जब हम करेंगे ना तो फिर हमें इसके टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी 10 नंबर की ये सारी डेफिनेशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर सवाल जो है वो 10-10 नंबरों का ए बी पार्ट में कन्वर्ट है, 5-5 नंबरों में कन्वर्ट है, और ये चौथा सवाल है, इसमें हमने 5 डेफिनेशन करनी है और फिर हमें इसके 10 नंबर मिलेंगे। तो पहली डेफिनेशन स्टूडेंट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। एडोलेसेंस इज़ द डिवेलपमेंटल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एज ऑफ 10 and 19 ईयर्स। एडोलेसेंस स्टूडेंट, उर्दू में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि जब बचपन से इंसान जवानी में आता है ना, तो उस स्टेज को हम एडोलेसेंस कहते हैं, यानी जवानी के दौर को, दौरे बलोगत को, जब बलोगत में लड़का या लड़की आता है, और इसकी एज है वो 10 से 19 साल की उम्र में ये जो है एडोलेसेंस ये पीरियड आता है। ठीक है, इसमें जो है बायोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। उस इमोशनल और सोशल चेंजिंग्स आती हैं, यानी जो लड़का या लड़की वो ना अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं, उसमें थोड़ी सी इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है ताकि आपको 2 नंबर मिल सकें। दूसरी डेफिनेशन जो है स्टूडेंट हमारी है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से क्या मुराद है। इनफर्टिलिटी इज़ अ मेडिकल कंडीशन करेक्टराइज बाय इन एबिलिटी टू कंसीव आ चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसको हम समझते हैं, इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है, जिसका मतलब है कि बच्चा रिसीव ना होना, यानी अगर एक मेल और फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं 1 साल तक, अगर उनको बच्चा मतलब कंसीव नहीं हुआ, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, बेबी कंसीव नहीं हुआ, तो वो इनफर्टिलिटी में आएगा। ठीक है, इसकी कुछ कॉजेज़ हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इनफर्टिलिटी की अगर बात की जाए तो कॉजेज़ जो है ना वो मेल या फीमेल दोनों में हो सकती हैं, यानी या मेल में होगी या फीमेल में होगी, या दोनों में कोई ना कोई छोटा सा माइनर सा प्रॉब्लम होगा, तो ये आइदर आप मेल और फीमेल यानी किसी में भी हो सकती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो कॉज होती हैं वुमेन में वो ओवुलेटरी डिसऑर्डर, फलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, यानी जो औरत है ना उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर से कोई फलोपियन ट्यूब पंच हो गई है, या एंडोमेट्रोसिस है, उसका एंडोमेट्रियम जो उसकी थिकनिंग वो कम है, या उसके एज का कोई मसला आ रहा है, या ओवरी में कोई ना कोई मसला है, तो इस वजह से जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और फीमेल मेल के अंदर जो है वो लो स्पर्म काउंट, पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी, यानी स्पर्म की जो क्वालिटी है उसका काउंट जो है उसमें जो है प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं है, इस वजह से जो है वो मेल की तरफ से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। तीसरी जो डेफिनेशन स्टूडेंट हमारी है वो है, तीसरी डेफिनेशन है मटर्नल मोर्टेलिटी रेट। मटर्नल मोर्टेलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ मटर्नल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड टिपिकली 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर नंबर ऑफ मटर्नल डेथ ओवर नंबर ऑफ लाइव बर्थ, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से, तो ये जो है मटर्नल मोर्टेलिटी रेट्स जो है हमारे पास आ जाएगा। आपने इसकी डेफिनेशन के साथ साथ जो है इसका फॉर्मूला भी याद करना है। ओके, हो गया, दोबारा से समझा दूँ, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम इसमें आती है तो कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। मटर्नल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि माँ की शरह अमवात नंबर ऑफ मटर्नल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी 1 लाख अगर लाइव बर्थ होती है, जिंदा बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से जो मटर्नल डेथ होती है ना, नंबर ऑफ मटर्नल डेथ, तो उसको 1 साल के अंदर उसको हम
क्या बोलते हैं मटर्नल मोर्टेलिटी रेट है। अगर हम डेफिनेशन सही से करेंगे और इसका साथ फॉर्मूला लिख देंगे तो हमें इसके जो है दो नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी चौथी डेफिनेशन जो है वो है सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड से क्या मुराद है? सेफ मदरहुड रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट वुमेंस हैव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सपोर्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड विद इन द गोल ऑफ प्रमोटिंग द हेल्दी आउटकम्स फॉर बूथ मदर एंड देयर न्यू बॉर्न्स। ओके, सेफ मदरहुड का मतलब है स्टूडेंट्स वुमेंस को वो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना प्रेगनेंसी के दौरान, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में, पोस्टपार्टम पीरियड में, ताकि उसके जो हेल्दी आउटकम है ना बच्चे का और माँ का वो प्रमोट हो सके, वो बेहतर हो सके। इसको हम सेफ मदरहुड बोलते हैं। दोबारा से डेफिनेशन कर लेते हैं। सेफ मदरहुड रेफर इंश्योरिंग डैट वुमेंस हैव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सपोर्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड विद इन द गोल ऑफ प्रोमोटिंग द हेल्थी आउटकम ऑफ मदर एंड देयर न्यू बॉर्न। ओके, तो ये हमारी सेफ मदरहुड की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा चौथी जो पांचवी डेफिनेशन जो सबसे लास्ट है वो है नोर प्लांट। नोर प्लांट स्टूडेंट लॉन्ग और दोनों शॉर्ट जो है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे। नोर प्लांट बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन है। नोर प्लांट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्मॉल फ्लेक्सिबल स्टोर्ड इंसर्टेड अंडर द स्किन ऑफ वुमेंस अपर आर्म। ओके, नोर प्लांट स्टूडेंट जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से मुराद है कि वो तरीका जिससे जो है हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, यानी हम प्रेगनेंसी से जो औरतें बचना चाहती हैं वो अपनी अपर आर्म में जो है ना एक रबड़ की तरह का फ्लेक्सिबल रोड होता है वो यहाँ पे छोटा सा एक मिनी ऑपरेट होता है फिक्स करवा लेती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स प्रेगनेंसी वाले हॉर्मोन्स को डिक्रीज कर देता है। ये सारा जो है वो नोर प्लांट का जो है वो प्रोसीजर है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ना नोर प्लांट, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? नोर प्लांट एक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड है, यानी जब हम इस फ्लेक्सिबल रोड को, स्मॉल रोड को बाहर निकलवा देंगे तो हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा इसमें लो मेंटेनेंस ऑप्शन, हमें इतना मेंटेनिंग यानी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव हो उसके लिए पहले प्रिपेयर करना ही प्रिपेयर होना पड़ता है, यानी कोई पिल्स खानी पड़ती हैं या कोई भी कोंडम वगैरह कुछ भी यूज़ करना है ना, तो वो मेंटेन अपने आप को करना पड़ता है। लेकिन ये जो है इफ़ेक्टिव है, हाईली इफ़ेक्टिव है और इसमें लो मेंटेनेंस है, ठीक है। इसके अलावा इसका इंसर्शन और रिमूवल का तरीका सेम ही है, छोटा सा ऑपरेशन है, उसको रख देते हैं और जो है तो वैसे ही इसको रिमूव कर दिया जाता है सेम प्रोसेस में, और 15 से 30 मिनट का ये अमल होता है, ठीक है। और इफ़ेक्टिवनेस इसकी अच्छी है, यानी इसका जो फेलियर रेट है वो जस्ट 1% है, ठीक है। एडवांटेजेस ये हैं कि ये रिवर्सिबल है, कन्वीनियंट है और लॉन्ग टर्म है, तकरीबन 5 साल जो हैं वो आपके नोर प्लांट से गुजर जाएंगे, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं कि इससे जो है ना वो इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, तो इस बारे में आपने पेशेंट को लाजमी गाइड करना है, ये ना हो बाद में आपको कंप्लेन हो, ठीक है। तो ये नोर प्लांट के बारे में बस इतनी सी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। डेफिनेशन के बाद, प्रॉपर डेफिनेशन के बाद आपने इसको थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके एडवांटेजेस, इसका इंसर्शन और रिमूवल्स का तरीका लिख देना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह पेपर 2, यानी पास्ट पेपर जो 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। टाइम बहुत कम है और साथ साथ सिलेबस कवर करते जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।